शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किधर जाता है? अबे टिंगू तू सुधर जा, इस हवेली का आने वाला मालिक हूँ मैं। क्या आप कुछ भी बोलो, हम अंदर जाने नहीं देगा। अरे तू हमको रोक रहा है, राजा जी को रोक रहा है। अरे अरे वॉचमैन क्या कर रहे हैं आप, ये हमारे मेहमान। अच्छा, हैं, आइए ना। आइए अंदर जाइए। सॉरी आपको वॉचमैन ने बाहर रोक दिया। अरे नहीं पायल जी, मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगा। वैसे भी चौकीदार ऐसे ही होने चाहिए, वरना कल को हमारी गैरहाजिरी में कोई भी आएगा ना, तू गहरा हमारे बंगले में घुस जाए भाई जी। आइए ना, मेरे बोलने का मतलब है कि आपकी गैरहाजिरी में कोई भी चोर उचक्का बंगले में घुस सकता है ना भाई। वो वहाँ मेरे पिताजी हैं, मैं अभी आई बुला के। मामे ये तो घास काट रहा है, माली तो नहीं है? भांजे तने फिल्मों में नहीं देखा, हर बड़ा आदमी है ना अपने घर में घास काटता। हाँ लेकिन क्यों? वो इसलिए कि इन बेचारों के पास है ना पैसा बहुत होता है, तो इनका है ना टाइम नहीं कटता है, तो अपना टाइम काटने के लिए ना घर में घास काटते हैं। मामे ये निकालने वाले टाइम में हम लोग भी घास काटेंगे हैं। भाड़ से मैं कैची पकड़ूंगा? नहीं कैची मैं पकड़ूंगा। मामे कैची तू पकड़ेगा तो मैं क्या पकड़ूंगा? तू हाथ पकड़ लेना ना। राजा जी। पिताजी ये राजा जी हैं और नमस्ते, ये इनके मामा जी। जी अरे अरे क्या कर रहे हो बेटा, उठो बेटा उठो बेटा उठो। आहा, अमीर आदमी के गले लगने का मजा और आनंद कुछ और है। बेटा जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया है। आ बेटा अंदर आ। मामे तू भी अंदर से घर को देख लेना। तू अंदर से घर देख, मैं बाहर से देखता हूँ। अच्छा, दिखाओ ना घर। आइए ना चलिए ना। कैसा है घर? फर्स्ट क्लास। 1 2 3 4 5 भाई साहब, ये 5 की 5 कार किसकी है? ये सारी की सारी गाड़ियाँ हमारे सेठ जी की है। अरे बेवकूफ, आज ये कारें तेरे सेठ जी की है लेकिन कल मेरे राजा की होने वाली है। क्या सोच रहे हो सेठ जी? अरे नहीं मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि ये सब की सब गाड़ियाँ चलती है। कैसी बात करते हो सर जी? हाँ पता नहीं कैसी बात कर रहा हूँ मैं। अरे बाप रे बाप, ये ठाट, और ये सब कल मेरा होने वाला है। बेटे एक जरूरी फोन आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया, वरना मैं तुम लोगों को पीछे लेके जाता। पीछे कहाँ? अपने कमरे में। लगता है पीछे बुड्ढे ने अपने लिए कोई खास बेडरूम बनाया होगा, इसीलिए वहां ले जाना चाहता होगा। बेटे जल्दी से चाय लेके आ। हाँ जी अभी। आप क्यों चाय बना रही है? घर में बहुत सारे नौकर तो होंगे ना? बेटे नौकर तो बहुत है लेकिन सब अमेरिका गए हुए हैं। यहाँ तो नौकर भी अमेरिका जाते हैं, शादी के बाद दामाद को तो सीधा चांद पे। भाई साहब ये ठंडे ठंडे पानी का तालाब किसका है? ये भी हमारे सेठ जी का है। जे बाय गॉड एकदम जेम्स बॉन्ड लग रहा है तू तो। हाँ मामे 007 8 9 10 11 12 13 14 मेरे को पता, तेरे को सौ तक गिनती आती है। चुपचाप हवा मार मामे, हवा मारो ना। अच्छा मामे एक बात बता। क्या? तेरे को तैरना आता है? नहीं तैरना नहीं, मेरे को डूबना आता है। तो डूबता क्यों नहीं है यार? मैं दिखाता हूँ सर जी। अरे अरे आप क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं ये सोच रहा था कि इस पानी पे आदमी चल सकता है क्या? सर जी आप कैसी बातें करते हैं? पता नहीं कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं, मैं अपने जीवन के भविष्य के बारे में सोचकर व्यस्त हो गया। बेटे तुम्हारे भविष्य के बारे में तो बुजुर्ग सोचेंगे। ये भी बात सच है। तुम्हारे पिताजी अगर मैं कोई बुजुर्ग होता तो मैं उनसे ही बात करता। अब मैं अपने पिताजी से बात करने के लिए गाँव जाऊँ अगर मैं आपको पसंद हूँ तो? पसंद? बेटे मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के लिए इतना शरीफ सुशील और होनहार दामाद मिल पाएगा। अरे नहीं 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 क्या कर रहे हो? पढ़ के बैठ। मामे आखिरी बार रिक्शा में बैठ रहे हैं। आइए सर। पढ़ के अरे वो देखो ने कड़वा। अरे कड़वे भाई कड़वे। अरे कड़वे भाई कड़वे। लगता है वो आदमी आपको बुला रहा है। ओ मैं इनको पहचानता नहीं हूँ, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? चल बैठ। अबे कड़वे भाई। अरे अरे भाड़ी चला गया। अरे मामे तो बड़ा हरामी है, देख के अनदेखा कर रहा। अरे इसका पीछा करे क्या? अरे हम लोग बड़े आदमी है, इसका पीछा क्यों करे? तो छोटा आदमी। अरे साले का दिमाग खराब हो गया तो ठीक तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ऑटो ये साले का रास्ता काटो। वेलकम वेलकम मिस्टर कालीश। अबे कड़वा। अरे बाप रे ये होता कड़वा। अबे कड़वा। अबे कड़वा
भागता रहा। मिस्टर जान, हेलो मिस्टर जी, हेलो हेलो जाने दो, हेलो हेलो। अरे मैं तुझे कब से कलवा कहकर पुकार रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा। मिस्टर कालीचरण, मैं आपसे कह रहा था ना, आदमी आपको बाहर आवाज दे रहा है। मैं भी तेरे से कह रही था, मैं इसको जानता नहीं पहचानता नहीं, कौन है ये? जानता तक नहीं है। अबे तू भूल गया, तो हमारे खेतों के अंदर गाय भैंसों के गोबर उठाया करता था, हम तुझे कल्लू कल्लू कहकर पुकारते थे। आप गोबर उठाते थे? मैं कलवा नहीं हूँ, मैं इसको जानता नहीं कौन है। अरे यार तुम लोग को इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। ये है ना, एक अमीर आदमी की बेटी को फंसा के खुद अमीर बन गया। दरअसल उसको मालूम नहीं है कि मेरा जो होने वाला ससुर है ना, उसकी औकात इसके ससुर के सामने इतनी बड़ी है जैसे किसी मेंढक के सामने कोई मगरमच्छ हो। क्या बोला तू? मेरे ससुर को मेंढक बोला तू? वो तू जानता नहीं है, मेरे ससुर को सारा शहर जानता है। अरे मेरे ससुर को सारा देश जानता है। मेरा ससुर जो है ना गवर्नमेंट किंग है। अब मेरा ससुर गवर्नमेंट किंग है यार। अच्छा, और तू मेरे ससुर के सामने जूते उठाने लायक नहीं है उसके। अरे तेरा ससुर है ना, वो मेरे ससुर के जूते उठाने का लायक नहीं है। तू बहुत बोल रहा, बहुत बात कर रही है। जान दे, जान दे, मम्मी जान दे, जान दे। चल ठीक कह रहा तू, जूते मारने से क्या होगा, तू शादी कर लेगा ना तो साला सदमे के मारे खुद ही मर जाएगा। भाग गया। अरे सेठ जी, मारा तो भाग खुल गया। आप पधारे हमारे ऑफिस में, कॉफी पियो छोड़ के। सेठ करोड़ीमल जी, ओ जी मैं कालीचरण बोल रहा हूँ। बोलो भाया तोड़ के। ओ जी मैं इसलिए फोन किया कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। के? ओ जी मतलब ये है कि राजा नाम के जिस लड़के को आपने नौकरी पे रखा है ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। उसके सारे सर्टिफिकेट जाली है। ओ जी पैसा देके खरीदा उसने। मैं तो कहता हूँ जी उसको फौरन नौकरी से निकाल दो। ठीक है, ठीक है भाया तोड़ के। साला मेरे ससुर को भिखारी कह रहा था, अब पता चलेगा। अब आपने मुझे बुलाया सर। आइए आइए, हमारी ऑफिस के मुकद्दर को चमकाने वाले आइए। अरे आप बैठिए ना, जब देखो मुझे देखकर खड़े क्यों हो जाते हैं? अबे खड़े हो जाने के बच्चे, मन इतना गुस्सा आवे लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा। अच्छा जब मिल जाएगा तो बुला लीजिएगा, मैं फिर आ जाऊंगा। अबे फिर के बच्चे, मैं तन्ने इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं सेठ जी आप मजाक कर रहे हैं। आप अपने आप को मिल से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। कौन है ये बदतमीज लड़का? ए बुड्ढे, जब दो बड़े आदमी बात करते हैं तो बीच में टांग नहीं डालते। क्या बोल रहा है? आप बुरा मान पानी, मैं तन्ने इसी वक्त नौकरी से निकाल रही हूँ बस। कारण क्या है? अबे रख नीचे। कारण क्या है? कारण, अरे कारण एक हो तो मैं तेरे को बताऊं, यहाँ तो कारणों का ढेर लगा हुआ है। 2 महीना हुआ तुझे ऑफिस में, 20 दिन की छुट्टी ले ली, 20 दिन बिना बोले नहीं आया, और जो भी ऑफिस में काम किया तूने ढंग का नहीं किया, करेगा कैसे? आता होगा तो करेगा ना। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि तूने मेरी ऑफिस के साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड? यस फ्रॉड। तुम्हारे सर्टिफिकेट, डिग्री या मार्कशीट जो तुमने मुझे दिखाया था और देखकर मुझे पसीना आया था ना, वो सब नकली है, जाली है। जाओ तुम अकाउंटेंट के पास जाओ, तुम्हारी बाकी के पैसे ले लो और इधर से चले जाओ। आइंदा कभी भी इस ऑफिस में कदम रखने की कोशिश की तो मैं थारी टांगे तुड़वा दूंगा। ए कटोरी मल। कटोरी मल नहीं, मारो नाम करोड़ी मल है। हाँ जो भी है, मल है या नल है, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें मालूम है तुम किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो? वो राजा जो आने वाले कल का रईस ज्यादा बनने वाला है। रईस ज्यादा? तू और रईस? अरे 2 दिन में कटोरी लेके रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आया तो मेरा नाम करोड़ी मल नहीं। हाँ तो ठीक है, अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जिस आदमी की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है उसके सामने तुम्हारी औकात भिखारी होने वाली है। अल्लाह के नाम पे दे 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 दे। देखा यही है। बरकुरदार एक बात तो बताओ, इस शहर का ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान है जो तुम जैसे निकम्मे नाकारा बेहुदा लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता है? ओहो, अरे बेवकूफो बेवकूफो, वो इतना बड़ा रईस आदमी है कि उसके नौकर भी तुम लोग से ज्यादा रईस होंगे। शट अप एंड गेट आउट। मैं चिल्लाऊंगा मत, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा तो तुम्हारे सड़े हुए ऑफिस की छत का प्लास्टर गिर जाएगा। और वैसे भी ऐसे घटिया ऑफिस में खड़े रहना हमारे जूतों की आन पान और शान के खिलाफ है। ए मिस्टर आन, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे होने वाले ससुर इस शहर के कौन से इलाके में रहते हैं? अमीरों का पता पूछना भिखारियों की पुरानी आदत है, इसे छोड़ दो। और तुम सुनो, अपने सड़े हुए ऑफिस के पेपर तैयार रखना, बहुत जल्द तुम्हारे इस कबाड़ खाने को राजा जी खरीदने आ रहे हैं।